الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي او كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد نفسك كلماتك الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو मीदाद محترم ناظرين महमद्लस السلام عليكم ورحمة الله وبركاته प्रोग्राम रहमान की रहमत में आप तमाम भाइयों को बहनों को तमाम सुनने वालों को देखने वालों को दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद है खैर मकदम है अल्लाह सुन से दुआ है अल्लाह हम सबके सुनने सुनाने को अमल की नीयत से अल्लाह हम सबको सुनने सुनाने की तोफ़ी फ़रमाया जो कुछ हम सुने सुनाए अल्लाक मसब ने फ़जलो करम से हम सबको अमल की तोफ़ीत फ़रमाया आमीन याबान में नजरीन आज जो दुआ मैं पेश करने जा रहा हूँ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन मकबूल दुआओं में से हैं जो रसोल्ला सल्ला वसलम खसूसी तौर पर वज़ू के दौरान पढ़ा करते थे इस हदीस के और इस दुआ के रावी हैं हज़रत अबू मूसा आशारी रदी अल्लाह हो वो फ़रमाते हैं कि एक मौके पर मैं रहमत आलम अलैहि वसल्लम की बारगाह में वज़ू का पानी लेके के हाज़िर हुआ अतीतैतनबी सदू का पानी ले कर मैं 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 माज़िर हुआ तो रहमत आलम सल्ला वल्लम ने वज़ू फ़रमाया और मैंने ये सुना कि आप ये दुआ फरमा रहे हैं ये दुआ कर रहे हैं ये दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह मख्फर लदम वस्य दारी वबारी के लिए फिर इसकी तो मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी वसल्लम आपने ये दुआ पढ़ी है तो रहमत आमल वम ने जवाब ने रिशात फरमाया कि हल तरक निनशयी क्या इस दुआ ने इन दुआ कलिमात ने कोई भलाई बाकी छोड़ी है यानी इस दुआ के अंदर रहमत आलम वसम के फ़रमाने का मतलब ये है कि इस दुआ के अंदर सारी खैर व भलाइयाँ जमा हैं कोई खैर व भलाई इस दुआ में बाकी नहीं है जो न माँगी गई हो कोई असमंदर को ज़िम्मे बन है तो नाजरीन ने ये बड़ी मुबारक दुआ बड़ी अल्लाह अकबर नूरानी दुआ मैंने बरहार किया है कि वो दुआएँ जो रहमत आलम वसल्लम से मरवी हैं और मंसूब हैं रहमत आलम वसल्लम की तरफ़ तो वो दुआएँ बड़ी मुबारक हैं बड़ी नूरानी रूहानी है अलहमदिल्ला हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हज़रत मुफ्ती साहब मुफ्ती सैफा साहब भी तशरीफ़ फरमा है उनसे भी इन उनके मलफूज़ा सुनेंगे तो नज़री दुआ के जो क़लिमात हैं स्क्रीन पर भी आप देख लें अल्लाह मखफ़रलीबी वसली फी दारी फीदारी वा वारिकली फ़िर फी रिस्की बजाहिर बहुत मख्तसर चीज़ दुआ तीन इसके अंदर चीज़ें माँगी गई हैं रामत आलम अलैहि वम ने अल्लाह पाक से तीन चीज़ें मांगीं अल्लाह मखफ़रली जम्बी सबसे पहली जो चीज़ माँगी गई है जो एक हर मोमिन हर साहिब ईमान की यह तमन्ना और दुआ होती है आर्ज़ू होती है ख्वाहिश होती है अल्लाह पाक मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दिए अल्लाह मखफरली जम भी कि अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ कर दे आप देखें ये दुआ कौन माँग रहा है ये ज़ात कौन सी ज़ात है कि बादस ख़ुदा बुज़ुर्ग तो क़स्सा मुख्तसर हम सब का यकीदा है कि रा... अम्बियात रामत आलम सल्ला वम हर क़स्म के गुनाह से बिल्कुल पाक साफ़ हैं मासूम माँ से तो आपने ये दुआ फरमाई क्या मतलब ये हमें और आपको बताने के लिए पूरी उम्मत को बताने के लिए हम जैसे गुनागारों को बताने के लिए कि एक बंद मोमिन एक अल्लाह की मोमि बंदा बंदी जो है वो हर वक्त अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहे एक बंदा अल्लाह से माफ़ी मांगता रहे और इसीलिए हदीस में आता है कि इंसान को कभी भी किसी गुनाह को छोटा नहीं समझना चाहिए गुना 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 किसे कहते हैं गुना कहते हैं हर ऐसे अमल को जिससे अल्लाह पाक नाराज़ होते हो जो अल्लाह पाक की नाफरमानी में काउंट होती हो उसे गुनाह कहा जाता है उसे सिन कहा जाता है उसे इसम कहा जाता है उसे ज़म्बुन कहा जाता है ज़म्बुन की जमा जुनूब है लगत ने तशरी की है कि दो लफ्ज़ बोले जाते हैं गुनाह के लिए एक इसम वज वज़र ज़ाहिर व बाना इसमी भी गुनाह को कहते हैंफ सा और, और ज़मुन तो दोनों में फ़र्क़ ये किया है हैदिन ने कि ज़मुन दोनों किस्म के गुनाहों को कहे जाते हैं दोनों किस्म के गुनाहों पर बोला जा सकता है वो गुनाह जो जान कर किए जाएँ या जो वो गुनाह जो ख़तान हो जाए ना दानिस्ता हो जाए दानिस्त और ना दोनों गुनाहों पर लेकिन इस उस गुनाह को कहा जाता है जो दानिस्त किए गए इरादतान किए गए बरल ये अलग से तशरी तो अल्लाह के नबी वसम ने नाजरी तीन दुआएँ माँ तीन चीज़ें मांगी अल्लाह पाक से अल्लाह ली जम्बी ए अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ फरमा ये अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ करते ज़म के माने मैंने अभी अर्ज़ किया कि गुनाह गुनाह का के लिए एक और लफ्ज़ बोला जाता है क़ुरान में बहुत सी आयतों में सै आत है सै इन दोनों में फ़र्क किया है मोहम्मद जसर ने कि सै आत शगर को कहते हैं सग़ीरा गुनाहों को और ज़म्बन और जुनूब कहते हैं कबार को यानी बड़े गुनाहों को कबीरा गुनाहों को तो बरअल सबसे पहली जो दुआ है कि अल्लाह ली ज़म्बी ए अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ फरमा हर किस्म के गुनाह को माफ़ कर कबायर को भी सगायर को भी सारे गुनाहों को माफ़ कर अभी मैंने अर्ज़ किया कि हमें और आपको बताने के लिए यह दुआ है कि उम्मत के अफ़राद को ये सिखाने के लिए कि हर वक्त अल्लाह पाक से दुआ मांगते रहो गुनाहों की माफ़ी कर माफ़ी मांगते रहो और किसी गुनाह को ये समझ के नहीं कर, कर, कर करना चाहिए कि बहुत छोटा गुनाह हमारे यहाँ ये जो है ना अजीब एक रस्म भी है और लोगों के जहन में यह माइंड सेट बना हुआ है लोग पूछते हैं बड़ा गुनाह नहीं है ना कबीरा गुना तो नहीं है छोटा गुनाह गोया हमारी समझिए शायद ये कहती हो कि छोटा गुनाह कर लेने में क्या आ रहा है हालांकि ने लिखा है कि नाफरमानी नाफरमानी चाहे वो छोटे दर्जे की हो बड़े दर्जे की हो दरमानी दर्जे की हो नाफरमानी 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 किसे कहते हैं जिससे अल्लाह पाक का गैस व गज़ब नाजिल होता तो सबसे पहली चीज़ माँगी गई कि अल्लाह मेरे जाहिर गुना से इंसान जिस इंसान के गुना माफ़ कर दिए जाएँ जिस इंसान के गुनाह अल्लाह पाक माफ़ फरमा दें गुनाहों की बख्शिश हो जाए और उससे आफो का परवाना दे दिया जाए माफ़ी का ज़ाहिर है कि इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है दूसरी चीज़ मांगी गई कि ए मेरे अल्लाह मेरे लिए मेरे घर को वसी फरमा दीजिए अब देखें रहमत आलम ने पहले भी अर्ज़ किया है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं ऐसी जामें और ऐसी अजीम दुआएं होती हैं कि गैर नबी ऐसी दुआओं का तस्वुर भी नहीं कर सकता अब देखें यहाँ घर के हसन के हवाले से बताया गया है कि घर का सबसे बड़ा हुस्न ये है कि घर कुशादा घर या ये नहीं कह कि अल्लाह मेरे घर को खूबसूरत बना दीजिए अच्छी सी टाइल्स हो और अच्छा सा उसमें कलर हो और अच्छी सी उसमें अच्छा सा फ्लोर हो अच्छी सीलिंग हो अच्छी लाइट हो नहीं घर का सबसे बड़ा हुस्न उसका तस्करा फरमाया कि अल्लाह मेरे घर को मेरे लिए वसी फरमा दी घर में कुशादगी हो यहाँ मुफसरीन ने लिखा है कि यहाँ घर से मुराद कब्र भी हो सकता है कि हमारा जो फ़ाइनल घर है वो कब्र है फिर आखिरत क्योंकि दुनिया में ज़मीन के ऊपर हम जितनी मदत गुजारते हैं उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा जो पीरियड है हमारा इस्टे करने का वो कब्र है तो गोया ये भी इसकी तश्री हो सकती है कि अल्लाह मेरी कब्र वाली मेरा क़ब्र वाला जो घर है जो कोठरी है जो कमरा है जो रूम है अल्लाह उसको कुशादा बना दीजिए जैसे दुआएँ हम लोग देते हैं कि अल्लाह मेरी कब्र को रौद तुम रियाज अल जन्ना वजालमस्फवाना वजालबरी और मिन रियादिल जन्ना या अल्लाह मेरी क़ब्र को बागों में जन्नत के बाग़ों में से एक बाग़ बना दीजिए जब भी किसी का हम इंतकाल की खबर सुने हमें दुआ देनी चाहिए इन्ना पढ़ने के बाद कि या अल्लाह जो मरहूम है या जो मरहूमा है या अल्लाह इसकी क़ब्र को मिन रियादिल जन्ना बना दी अल्लाह इसकीब्र को जन्नत के बाग़ों में से एक बाग बना दे तो यह हमारा दुनिया का घर भी हो सकता है दुनिया जिस घर में हम रहते हैं अल्लाह हमें कुशादा घर अता फरमा कुशादगी हो घर में और कब्र वाला भी घर आखरत भी कि असल घर तो हमारा आख़रत है फाइनल डेस्टिनेशन कि वहाँ भी घर हमें वसी घर इसलिए हदीस में आता है कि अल्लाह पाक से जब जन्नत मांगो तो जन्नतफरदोस मांगा करो सबसे अली किस्म की जन्नत तीसरी चीज़ जो मांगी गई नाजरीन लल्लाली जम्बी व्यालीफ़ीदारी वारी की लिफी ये अल्लाह मेरे लिए मेरे रिस्क को क्या कर दीजिए बरकत अता फरमाइए मैंने अर्ज कर किया कि देखिए बरकत और कसरत या रिस्क में कसरत नहीं मांगा गया अच्छा एक चीज़ और मैं ए, उसकी तश्री कर दूँ हमारे यहाँ रिस्क का जब लफ्ज़ आता है या ज़िक्र आता है तो हम रि, रिस्क से मुसफ़ माल को समझते हैं हालाँकि ऐसा नहीं रिस्क माना बहुत कुछ आता है अच्छी सेहत भी रिस्क है अच्छी समझ बूझ भी अल्लाह पाक की तरफ से रिस्क है इंसान का सेहतमंद होना जिसमानी तौर पर रूहानी तौर पर ईमानी तौर पर अल्लाह पाक का एक रिस्क है औलाद अगर है अच्छी हालत में है वो भी एक रिस्क है हालात का खुशगवार होना एक रिस्क है अच्छे हुक्मरानों का मिल जाना मुल्क में अमन व अमान का होना आफ़ियत के साथ ज़िंदगी बसर करना रिस्क है यानी रिस्क गोया के रिस्क के माने बड़ी वसी हैं बहुत कुछ आता है लेकिन हम चूँकि इल्म हमारे पास नहीं है इसलिए जब भी रिस्क का तस्करा होता आता है ना तो हमारे जहन में फ़ौर माल ही का ख्याल आ जाता है कि गोया माल में बरकत दे माल भी शामिल है यकीन रिस्क में लेकिन रिस्क का मफहोम बहुत वसी नाजर तो जब अल्लाह पाक से रिस्क माँगें तो आपके जहन में भी एक वसी मफहम होना चाहिए कि अल्लाह सेहत में भी सेहत भी रिस्क है अच्छी सेहत सेहतरमा तो यहाँ देखें अल्लाह के नबी सल्ला वसम रिस्क़ में बरकत मबार के लिए फिर है कसरत नहीं मैंने पहले अर्ज़ किया कई बार के देखें कसरत में और बरकत में क्या फ़र्क़ है बरकत अल्लाह पाक की तरफ से इस गारंटी का नाम है कि जिस चीज़ में भी बरकत हो जाए उम्र में बरकत हो जाए तो आदमी अपनी मुख्तसर सी उम्र में वो काम करके जाता है जो बड़ी उम्र वाले नहीं कर पाते इसकी मिसाल हमारे असलाफ हैं उलमा है, है। अकाबरीन है इमाम शाफी रहमत को आप ले लें इमाम इबन क्ययम को ले लें इबन सूती को ले लें इबन जोजी को ले लें बड़ी बड़ी हस्तियाँ गुजरियाँ हैं जो मुख्तसर सी उम्र में साठ साल में पचास साल में सत्तर साल में वो काम करके ये लोग गए हैं जो हम जो हम में से एक बड़ी जमात ना कर सके एक उम्मत ना कर सके एक एक उम्मत के बराबर काम करके लोग गए क्यों वजह क्या थी अल्लाह पाक ने उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाई थी हमारे यहाँ बरकत नाम की कोई चीज़ नहीं पूरा दिन यूँ ही गुजर जाता हम कोई काम नहीं कर पाते चलाव दीनी या दुनियावी एबार तो से भी किसी काम में बरकत नहीं आप एक पारा कहें तो हमें ऐसा लगता है जैसे पहाड़ हमारे सर पर किसी ने रख दिया हो तलावत करनी हो दो चार रुकूब ब मुश्किल हम पढ़ के बिल्कुल थक जाते हैं टाइट हो जाते हैं नहीं पढ़ा जाता हमसे क्योंकि वक्त में बरकत नहीं कभी रमज़ान करीम का महीना आ रहा आप देखें ब मुश्किल बहुत से ऐसे लोग होंगे जो एक ख़त्म भी नहीं कर पाते होंकि रमज़ान का महीना कुरान का महीना है इबादत का महीना है नीकियों का मौसम बाहर है तो गर्ज़े के अभी से प्लान करनी चाहिए नाजरीन रमदान करीम के लिए तो अल्लाह पाक से अल्लाह के नबी अलैहि व बरकत मांग रहे हैं कि अल्लाह बारिकली फी रिस्क ये अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत अताफर यानी माली तौर पर जो रिस्क उसमें भी मेरी सेहत में मेरी इज़्ज़त में, में मेरे आबरू में मेरे घर में मेरे माल में मेरे बच्चों में अजवाज में मेरे ख़ानदान में मेरे ईमान में मेरे अमल में सारी चीज़ें रिस्क में शामिल हैं तो मेरे अल्लाह सारी ही चीज़ों में बरकतें अताफर तो बर अल्लाह करे कि ये दुआ हमें याद हो और अल्लाह पाक से दुआ भी है कि अल्लाह जो दुआ ये आज पढ़ी गई है हम सब के हक़ में पूरी उम्मत के हक़ में हर फर्द के हक़ में कबूल फरमा और इस दुआ पर जो समरा है अल्लाह हम सबको पूरा पूरा अता फ़रमा इनशाला इस दुआ के हवाले से हज़र मुफ्ती साहब इनशा करेंगे जीविकम वरहमल वबरकू पहली बात तो यह है कि दुआ करनी चाहिए मांगनी चाहिए अल्लाह माउ फिर वसिफी दारी वबारिकली फिर रिज्क अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे मुझे कुशादा कर अता फ़रमा और मेरे रिज्क में बरकत अता फ़रमा अल्लाह करे ये दुआ मेरे आमें, आपके सामीन नाजरेन सब के हक़ में अल्लाह ताला आमें। मकबूल और मंजूर फरमाए सबसे पहली बात यह है कि ये दुआ नबी करीम अलैहि वसल्लम से मनकूल है वज़ू के दौरान या वजू के बाद जैसा कि आपने फ़रमाया तो एक तो यह है कि इस दुआ को अपने अमल में लाना चाहिए वजू की हैसियतें दो हैं एक वजू की हैसीत यह है कि वज़ू मिफ्ताह मफताहला बन जाए यानी एक आदमी वजू करे और वजू करने के बाद वो नमाज पढ़ने का अहल बन जाए तो अगर कोई आदमी वजू करे जैसे उमूमन हमारे माशरे में किया जाता है हम करते हैं बग़ैर तवज्जो और देहान के तो वो वजू हो जाता है उसको कहा जाएगा कि वजू ठीक है यानी इस तौर तो पर कि इसके साथ इसके बाद आदमी नमाज पढ़ सकते हैं फतवे की रोशनी में और अगर वो वज़ू को नबी करीम वसल्लम की सुन्नत और तरीक़े के मुताबिक अगर, अगर अदा करे तो वो मफताहल सलाई नहीं है मफताहल जन्ना बन जाता है कि सबसे पहली बात यह है कि नियत करे वज़ू की वजू की नीयत से आदमी इरादतन उधर हो कि मैं वजू करने जा रहा हूँ नीयत मुराद है बिस्मिल्लाह पढ़े पूरी बिस्मिल्लाह पढ़े अल्लाह का नाम लेनाजाली मिनल मुतरीन ये दुआ पढ़े और, और, और कलम शहादत के बारे में आता है जो कोई कलम शहादत पढ़े तो उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खुल जाते तो मतलब ये है कि जिस आदमी ने नबी करीम अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक वजू किया तो वो जन्नत में तो पहुंच गया है अभी सिर्फ़ जो नमाज जो है वो उस उसकी अल्लाह से मुलाकात का ज़रिया बन रही है वो नमाज एक रूटीन या एक जो है ना वो खाना पूरी का ज़रिया नहीं है बल्कि वो अल्लाह ताला से हम कलाम हो रहा है तो पहली बात तो ये है कि इस दुआ को मांगना भी चाहिए मुतवज्जे भी होना चाहिए और वज़ू के दौरान बिलखसूस इस पर अमल करना चाहिए ताकि हकीकी माने में हमारा वज़ू मिफ्ताह मफताहल सलाबी हो और मिफ्ताह मफताहजन्ना हो और हमारी नमाज अल्लाह ताला से मुलाकात का ज़रिए यहाँ पर मैं नाजरीन के लिए एक बड़ी अहम बात जो ने अमल बताया है कि नबी करीम सलील वम की दुआओं के और आमाल के जो अल्फाज अगरचि मुख्तसर हैं बहुत शॉर्ट हैं लेकिन वो मानी भी जामे फवाद भी जामे मतलब यह कि बहुत ज़्यादा मानी है किताबें लिखी हैं और बहुत ज्यादा फ़वाद हैं कि जिनको हम बयान भी नहीं कर सकते तो एक फ़ायदा तो वही है जो मैंने अभी ज़िक्र किया एक और फ़ायदा वलमा ने जिक्र किया है फरमाया कि जो आदमी अपना कुशादा घर चाहे तो वो इसको अमल में ले आए इसके अंदर वाजे तौर पर कुशादा घर की दुआ है तो हर जो आदमी की जरूरत है और हर आदमी की जरूरत है आजकल के दौर में बिलखसूस यहाँ पर कि आदमी को अपना ज़ाती कुशादा बड़ा घर मिल जाए तो वो वजू के बाद इसको पढ़े और नमाज के बाद भी इसी नीयत से इसको पढ़े तो ने फरमाया कि अल्लाह ज़रूर भी जरूर उसको कुशादा घर अता फरमाएंगे तो इसका एक फ़ायदा ये भी है बिल्कुल दूसरी अब जो है वो आते हैं इसके जो सेंटेंसेज़ हैं तीन ही जुमले हैं और जैसा कि पहले हमने अर्ज़ किया और आपने भी फरमाया कि नबी करीम अलैहि वसल्लम की दुआ और इरशादात के चंद जुमले होते हैं और उनके अंदर मानी की एक पूरी कायनात हुई है अल्लाली जम ज़म्बी ए अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे यहाँ पर एक मैं बड़ी अहम बात कहना चाहूँगा जो मैंने अभी रिसेंटली किया। यहाँ पर अल्लाह ताला से मांगी गई है बख्शिश और एक होता है आफ़। आफ का मतलब यह है कि माफ़ कर देना माफ़ी नहीं मांगी गई है बख्शिश मांगी गई ये बहुत बड़ा फर्क है आफ़ में और बख्शिश में मगफरत में एक फर्क तो ये है आफ़ का हर इंसान को हर मुसलमान को हुक्म है और आप हर बंदा कर सकता आपका मतलब यह है, किसी ने कोई ज्यादती की है कोई जुल्म किया है कोई नामुनासिब रवैया किसी के साथ इख्तियार किया तो वो उसको माफ़ कर दे कि मैं तुझसे बदला नहीं लेता ये है माफ़ी तो ये अल्लाह ताला करते हैं अल्लाह ताला माफ करते हैं और माफ़ करने को पसंद करते हैं अल्लाह ताला के अंदर सिफत पाई जाती है लेकिन ये जो गुफरान की सिफत है ये अल्लाह ताला के साथ खास है किसी बंदे के बारे आ, में नहीं कह सकते आ, मैंने तुम्हारी उस... मफरत कर, कर दी ये बंदे के स... ना बंदा कर सकता है और ना इसका इतलाक बंदे पर किया जा सकता है कि उसने मेरी मफ़रत कर दी अब मफरत किस को कहते हैं मगफरत का तर्जमा उर्दू के अंदर उमूमी तौर पर माफ़ करने का उर्दू का दामन बड़ा वसी बहुत तंग है तंग। और अरबी बहुत वसी है तो अब उसकी वजह से उसकी ट्रांसलेशन मुमकिन नहीं लेकिन ये जो बख्शिश है ये किसी अद तक इसकी ट्रांसलेशन कर रही है बख्शिश का मतलब है अता करना बख्शिश का मतलब तो ने फरमाया मगफरत के अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं जो अल्लाह ताला के साथ खास है एक यह है कि गुनाह को माफ़ करना जुर्म को माफ करना मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने अल्लाह की नाफरमा नहीं की है उसके हकूक अदा नहीं किए और जो है और भी जितनी किस्म की मासीतें वो जब अल्लाह से मगफरत बख्शिश मांगता है तो अल्लाह ताला उसके उस जुर्म को माफ फरमाते हैं पहली बात मगफरत की और जो है ना बख्शिश की दूसरा यह है कि उसके ऊपर पर्दा डालते हैं सत्तारी सत्तारूब सत्तारी का मामला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसके इस गुनाह को ना तो दुनिया भर में जाहिर करते हैं और ना आखिरत में जाहिर करेंगे जब हिसाब किताब होगा वो भी हो गया और तीसरा यह है कि उसके साथ अल्लाह ताला अजर बदला और इनाम भी अदा करते हैं जिसको कहा जाता है कि गुनाहों के बदले में अल्लाह ताला तला नेकिया ताकत तो ये सारी की सारी चीजें इस मगफरत के अंदर पैकेज है। जी पूरा पैकेज है पैके। तो अल्लाह ताला से जब भी आदमी मांगे तो इस तरह मांगे अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे माफी भी मांगे माफी लेकिन माफी से ज्यादा जामे और ज्यादा कम्प्लीट वर्ड जो है वो बख्शिश का है मगफरत का है तो मगफरत अल्लाह तुम्ली जम्भी वस अलीफीदारी और मेरे घर को कुशादा करते जैसा आपने फरमाया कि घर की सबसे खूबसूरती यही है कि घर कुशादा हो और एक और हदीस में इरशाद फरमाया नबी ने कि इंसान की नेक बख्ती की चार अमतें और बदबख्ती की चार अमत नेक बख्ती की अमामत यह है पहली पहलीत यह कि नेक बीवी उसे अल्लाह ताल नेता की हो दूसरा ये है कि उसको कुशादा घर अता किया हो तीसरा यह है कि उसको नेक पड़ोसी अता किया हो अच्छा नेबर हो और चौथा यह है कि आरामदेह सवारी हो उसके पास तो ये कुशादा घर ये नेक बख्ती की और राहत की आराम की बहुत अहम ज़रिया है और इसी के बिल बिलमकबल नबी करीम सल्हल ने फरमाया कि आदमी की बदबखती कीमतें यह हैं कि उसकी बीवी जो है वो अच्छी ना हो और जो है उसका घर तंग हो और जो है उसकी सवारी आरामदेह न हो और उसका पड़ोसी बुरा हो तो ये आदमी बदबخت है तो ये नबी करीम अलैहि वसल्लम ने इस दुआ के अंदर गोया के सदत का एक अहम जरिया नेक बख्ती का एक अहम जरिया मांगा अल्लाह ताला हम सब के हक़ में कबूल फरमाए वह बारिकली फी रिज़ की और मेरे रज़ के अंदर बरकत ताफ़रमा अब बरकत का मफहम भी बहुत वसी है और जो है रिज का मफहोम भी बहुत वसी है बरकत कहा जाता है बरकत को आसान अल्फाज में यूँ कहें कि ये बरकत अल्लाह ताला की जो है ना वो जात के साथ इसका इस्तेमाल हुआ तबार का तेरा नाम बड़ा बरकत वाला है तो अब ये इसका अजीम तरीन माने माना है और अजीम तरीन मकाम है कि अल्लाह ने अपने नाम के साथ और अपने साथ इसको जोड़ा है तो बहुत वसी माना आसान अल्फाज में यूं कहा जा सकता है कि बरकत कहा जाता है कि किसी चीज़ से आदमी नफ़ा उठा ले मसाल के तौर पर यह है कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अता की है तो उससे आदमी नफ़ा उठाए और उसको अल्लाह की अतात में लगाए तो यह बरकत है अगर अल्लाह ताला ने माल अता है तो माल से नफा भी उठाए और सबसे अहम तरीन नफ़ा यह है कि उसको अल्लाह की राह में लगाए जैसे मसाल है हमारे सामने बिल्कुल कि हज़रत स्मान गनी रज़ी हज़रत अब्दरमान बिन ओफ रज़ी अल्लाह बहुत बड़े मालदार थे लेकिन उन्होंने अपनी ज़ात के बजाय सबसे ज़्यादा माल अल्लाह की राह में उठाया आ, लगाया और उससे नफ़ा उठाया तो यूँ कहा जा सकता कि उन्होंने माल से सबसे ज़्यादा नफ़ा उठाया तो यही हाल है हर नमत का जो अल्लाह की तरफ से नमत मिले तो उसके अंदर बरकत और बड़ी ख़ूबसूरत बात कही जाती है कि कसरत बरकत नहीं है बरकत कसरत है यानी चीज़ों का बहुत ज्यादा हो जाना ये नहीं है इस बात की मेरे पास बरकत आ गई है बल्कि अगर बरकत मिल जाए मिल गई तो उसको बहुत कुछ मिल गया उसे सब कुछ मिल गया तो हमारे रिज्क में बरकत अता कर तो रिज्क का मफहम भी वसी है कि रिज के, के मुराद है कि अल्लाह ने जो कुछ दिया है अल्लाह ने जो है वह ज़िंदगी अता की है अल्लाह ने माल अता किए अल्लाह ने सलाहित अं अल्लाह ने औलाद अता किए अब औलाद से जो है ना वो बरकत की सूरत ही होती है कि औलाद तात में लगी हुई हो ठंडी हो उनसे जी आंखें ठंडी हों और जो है ना वो खिदमत में हो ये बरकत है और अगर इसके बरक्स सूरत है तो फिर बेबरकती है तो इस दुआ के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन जुमलों के अंदर सारी कायनात मांग ली है अल्लाह ताला हम सब के हक में इस दुआ को मकबूल मंजूर बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया नजरीन ये दुआ बड़ी ख़ूबसूरत बड़ी जाम दुआ अल्लाली जम्बी ओ से अलीफ़ी दारी वबारिकली फिर अल्लाह करी कि दुआ हम सब के हक़ में आप सब के हक़ में पूरी उम्मत के हक़ में अल्लाह करीम में कबूल फ़रमाए और मैंने देखें अर्ज़ किया है कि तो एक, एक है दुआ वो बड़ी अच्छी बात है दुआ पढ़नी भी चाहिए दुआ माँगनी भी चाहिए और पूरे शरूर के साथ दुआ का तर्जमा दुआ का मफूम हमारे जहन में होता कि कैफ़ियात भी हमारी शामिल हों जब अल्लाह पाक से ज़बान हमारी दुआ में मसरूफ़ हो तो दिल दिमाग दोनों हाजिर हो ये कलब के साथ दुआ हम करें पूरे शुरू के साथ ताकि उसकी कैफियत भी हमारी शामिल हो तो यकीनन फिर अल्लाह पाक ऐसी दुआ कबूल भी फरमाते हैं कि बंदा यकसू होकर मुतवजह होकर अल्लाह पाक से महागरा हो यकीन के साथ कि अल्लाह के साथ देने वाली है तो इन श्ल्ला ती दुआ के हवाले से मज़ीद बातें होंगी मुख्तसर से ब्रेक के लिए जाना इन फिर इसी मौजू पर बात होगी असलकम वरम्हि वर्का بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي محترم نازلين وسامعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته प्रोग्राम रहमान की रहमत में आप तमाम भाइयों को बहनों को तमाम देखने वालों को सुनने वालों को खुश आमदीद है नजर यह दुआ जो आज हमने पेश की है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दुआओं में से है बड़ी नूरानी बड़ी बाबरकत दुआ अल्लाम भी कि अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ फरमा मेरे लिए मेरे गुनाहों की बख्शिश फरमा दीजिए और वस अलीफ़ीदारी अल्लाह मेरे लिए मेरे घर को कुछ कर दीजिए वसी फ़रमा दीजिए अल्लाह मेरी रिस्क में बरकत अता फ़रमाई ये दुआ नाजरीन बड़ी मख्तसर और बड़ी जाम रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुजज़े दिए गए थे उनमें से एक मजदा ये भी है कि जवा में उलिम आपने फरमाया कि ऊती तो जवााम के बज़ाहिर कलमे जुमले बहुत मख्तसर लेकिन मानी का एक समंदर एक कायनात है अब देखिए ये तीन चीज़ें इस दुआ के अंदर है कौन सा ऐसा शख्स होगा जिसकी ये ये चीज़ें ज़रूरत उसकी ना होंगी उसकी ख्वाहिश ना होगी कि मेरे गुनाह माफ़ कर दिए जाएँ मेरी बख्शिश हो जाए जिसकी ये ख्वाहिश ना हो कि मेरे घर को कुशादा कर दिया जाए कि मुझे कुशादा घर मिले और जिसकी ये ख्वाहिश ना हो कि मेरे रिस्क में बरकत हो जाए कौन सा ऐसा शख्स का ऐसा अल्लाह का बंदा या अला की ऐसी बंदी होगी यकीन कोई ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर ज़र्र बराबर शुरू की रमक बाकी होगी यकीन उसकी ये आरज़ू और तमन्ना होगी कि अल्लाह मेरे गुनाहों की बख्शिश हो जाए या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दिए जाएँ या अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत हो या अल्लाह मेरी उम्र में बरकत हो या अल्लाह मेरा घर कुशादा हो घर के हवाले से भी हम लोग बड़े परेशान रहते हैं कि अल्लाह कुशादा घर अता फरमा मैंने अभी अर्ज़ किया कि इससे दुनिया का घर भी मुराद हो सकता है और यकीन आखरत का घर भी कब्र भी तो बाद करे तो वसी मफ़ूम जहन में रखे कि अल्लाह दुनिया में भी हमें अच्छा घर अताफ़रमा ये अल्लाह दुनिया में भी हमें जहाँ मैं रहूँ अच्छा घर हो कुछ आदा घर हो दुनिया में भी रिस्क में बरकत अता फ़रमा दुनिया में भी जो हम मरने के बाद जो हम क़बर में जाएँ क़बर को भी कुछ अदा कर दे मेरे अल्लाह फिर आख़रत में हमें जन्नत फिर दो सताफर तो नाजन देखें एक तो दुआ है एक दुआ का दायरा है एक दुआ की अपनी अहमियत है इम्पोर्टेंस है दुआ की अपनी एक फजीलत है बरकत है सवाब है अजर है वो सारी चीज़ें अपनी जगह लेकिन देखें फ़र्क क्या है साहबा के राम रजान तलिन अजमाइन सिर्फ दुआ नहीं मांगा करते बल्कि ऐसे आमाल भी करते थे मिसाल के तौर पे अगर कोशिश गुनाह की माफ़ी मांग रहा है बख्शिश मांग रहा है तो साथ साथ उसकी ये कोशिश भी होनी चाहिए कि मुझसे गुनाह का सदूर ना हो ऐसे आमाल से बचने की कोशिश करे कि जैसे अल्लाह पाक नाराज़ होते हों ऐसा कारोबार से बचने की कोशिश करे ऐसे ताल्लुक़ से बचने की कोशिश करे ऐसे अमाल ऐसे अफ़ाल ऐसे अकवाल ऐसा बर्ताव ऐसी हरकतें ना करे जो अल्लाह ताली की नाफ़रमानी जैसे होती हो तो अमली तौर पर दुआ का अपने ख़ास दायर है दुआ और दवा हमने दोनों करना है देखिए महीना आ रहा है इस महीने की सबसे बड़ी खसूसियत फरमाई कि इन तम रमज़ान के अंदर जो रोज़े हैं उसका मकसद लाल रकम तत्तून ताकि तुम्हारे अंदर परहेजगारी पैदा हो अल्लाह पाक का डर अल्लाह की अज़मत को सामने रखते हुए उसका डर उसकी नाफ़रमानी से डरो तो अर्ज़ ये कर करने का मतलब ये है कि सहाबा एक कराम रजवानल्ल तल अजमाइन इतने जामे थे और क्यों ना जामे हो रामत आलम सल्लम की सहबत असर थी दीन सीखा था उन्होंने रहमत आलम सल्लम के साय में रह के तो सहाबाक कराम की शान ये थी उनका तरीक़ा ये था नाजरीन कि वो आमाल भी ऐसे मिसाल के तौर पर घर की कुशादगी सिर्फ दुआ नहीं इंसान उसके लिए कोशिश भी करे हलाल कमाए हलाल रिस की कोशिश करे फजूल ख़र्ची पर कंट्रोल करें हमारे यहाँ देखें आज कल इतने पैसे होते हैं लेकिन ज़्यादातर जो पैसे हैं ना हमारे फ़ूल ख़र्ची में फ़ूल कामों में फ़ूल रस्मों से रिवाज में सारे खर्च हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक से बरकत भी मांगे आदमी और ऐसे अमाल जिससे बेबरकती होती हो उससे इंसान बचने की कोशिश करे उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है नमाज की पाबंदी सुबह उठना नमाज़ पढ़ना जिस वक्त बरकतें अल्लाह की तरफ से बरकतों की बारिश होती है बरकतें नाज का नज़ुल होता है तो गोया हमने अपने अमाल पर भी हमेशा नज़र षानी करते रहना चाहिए कि हमारे अमाल भी तो ऐसे हों ना कि वाकई हम अगर बख्शिश अल्लाह पाक से गुनाहों की मांग रहे हों तो हम गुनाह से बचने वाले भी तो हों गुनाह से बचते हुए ऐसे अमाल से बचते हुए जिसे अल्लाह पाक की नाराज़गी उतरती हो फिर साथ-साथ आदमी साहबा के नाम का ये तरीक़ा था कि सौ फीसद गुनाह से बचने वाले थे सौ फीसद ऐसे अमाल करने वाले थे जिससे जिससे बख्शिश हो अल्लाह की बख्शिश उतरे अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो साथ में दुआ भी करते थे साथ में दुआ भी मांगते थे हमारी मुसीबत ये है कि हम वन साइड हो जाते हैं। एक तरफ अगर मुतवज्जे हुए हुए अगर हम तो दूसरी तरफ दूसरा रुख जो है ना बिल्कुल यकसर जो है ना उससे हम सरफ़ नज़र कर लेते हैं तो आज यही हाल अब अगर मिसाल के तौर पर हम नमाज नहीं पढ़ते अब नमाज ना पढ़ने वाला गुनाह की बख्शिश की दुआ भी कर रहा है भाई नमाज़ पढ़ना हमारे अख्तियार में है हम नमाज ना पढ़ें अब नमाज़ न पढ़ के न पढ़ते हुए बख्शिश मांगें ठीक है बख्शिश मांगना हर हाल में बड़ी अच्छी बात लेकिन इट डज़न मेक ए सेंस मिसाल के तौर पर एक आदमी सूदी कारोबार कर रहा है शराब बेच रहा है शराबी कारोबार कर रहा है हराम कारोबार कर रहा साथ में बरकत की दुआ मांग रहा है इट डज़न मेक सेंस उसके रिस्क में कभी भी बरकत नहीं होगी क्योंकि उसका पहला स्टेप ये है कि हराम कारोबार से तोबा करे हराम पहले गंदगी साफ़ करे रसाद तो मिसाल देते थे कि अगर तुम्हारा कोई कपड़ा कोई टोपी कोई रुमाल कीचड़ में मड में गिर जाए तो पहले तो उसको मड से निकालो मड से निकालने के बाद उसे साफ़ करो साफ साफ शफाफ पानी से पहले गुनाह को छोड़ो गुनाह से बचो फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो फिर बरकत की दुआ मांगो हमारा असल में सब कुछ गडम होकर रह गया मिक्सअप होके रह गया फजर हम नहीं पढ़ते फिर अल्लाह पाक से बरकत की हम दुआ भी करते रहते भाई पहले तो फजर पढ़ना शुरू अभी रमज़ान का महीना आ रहा है मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि अभी से तैयारी हमें करनी चाहिए तलावत कुरान में अब्दी अबू अबू मसा शरीर जिनका भी मैं तस्कर कर रहा था साहबा के नाम में ऐसे महबूब साहबी हैं रसूल सल वसम कि इनको कुरान मजीदी से एक खास कस्म का शगफ हासिल था एक खास कस्म का शोक क़ हासिल था रबत हासिल था इतना प्यारा कुरान पढ़ते थे कि हदीस में आता है इनकी अल्लाह अकबर सवानी उम्री में ये इतना ऐसी आवाज़ थी कि रहमत आलम सल्लम फ़रमाते थे कि अबू मूसा आशरिय़ को सौते दाऊदी अता की गई जब भी आप पढ़ते आलम रमतम वहाँ से अगर गुजरते तो खड़े हो जाते थे और आप फरमाते थे देखो अबू मूसा आशरे कुरान की तिलावत कर रहे हैं इतनी इतनी प्यारी आवाज़ थी इनकी और इतना इनको लगाव था को। जब भी फारिग होते कुरान मजीद लेके बैठ जाया करते ये साहबा कराम थे इतना बड़ा मकाम है साहबा कराम का क्यों ना हो ये था इनका तौर तरीका कि ओढ़ना बिछोना ने की करने के बहाने रूने नजर हम कॉल्स भी लाइन ऑन है आप चाहें तो आज की के मौजू के हवाले से आज की हदीस के हवाले से दुआ के हवाले से कोई मसाला आपके जेहन में हो तो आप ज़रूर सवाल करें तो मकसद ये कहने का हमें दोनों तरफ मुतवज़ रहना चाहिए देखें एक दुआ का अपना दायरा दुआ ज़रूर हम मांगें दुआ हम पढ़ें दुआ याद करें पूरे शूर के साथ लेकिन साथ साथ हम ये देखें कि क्या दुआ ही काफ़ी है सिर्फ दुआ पर मुनसर हो जाए हम अमली ज़िंदगी से बिल्कुल हम दूर चले जाएं, तो जाहिर है कि ये आ, इट डज़न मेक सेंस हमें तो अपने बड़ों का जो तरीक़ा अपनाना चाहिए हमारे जो बड़े थे असलाफ थे साहब कराम उनकी देखें पूरी ज़िंदगी शरीयत के मतबे थे सुन्नत के मतबे थे हर अमल उनकी अमल जो है सुन्नत के मुताबिक हुआ करता था कहीं जब कभी भूल चूक हो जाए इस्तफार तोबा का दरवाज़ा खुला हम ये कि अल्लाह अकबर अगर दुआ की तरफ हम आते हैं तो अमल से अक्सर हम शरफ़ नज़र कर लेते हैं अमल छोड़ छोड़ देते हैं तो यह तरीका शरीयत के मिजाज के न समझने का शरीत का जो मिजाज है ऐसा नहीं है आप दुआ ज़रूर करें लेकिन दुआ के साथ साथ अपनी अमली ज़िंदगी का हमेशा जायज़ा लेते रहें कि हम नमाज तो नहीं मिस हो रही है अखिलकियात में हम पीछे तो नहीं हो रहे हैं अकायद के अंदर कोई ख़ुदा न खास्तक कोई आमेजिश तो नहीं है शिर की आमेज तो नहीं है अमल में बिदात खुराफा तो नहीं कर रहे हैं किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे हराम तो नहीं खा रहे हैं हराम तो नहीं किसी का पर जुल्म तो नहीं कर रहे हैं तो इन सारी जान शरीयत हमारी पूरी एक पैकेज है ना सर कि हर पहलू पर हमारी नज़र होनी चाहिए तो मुफ्ती साहब में ये असर रहा था कि दुआ के हवे से हमारे यहाँ बड़ी ग़लत फहमी है कि दुआ भी अगर हम दुआ की तरफ आते हैं तो अमली तौर पर बिल्कुल हम जो है ना वाफिल हो जाते हैं तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं एक कॉलर हमारे साथ है कॉलर जी असल वरह कौलम वालेकमल वरम वरक क्या हालत है ये सवाल करना था कि अक्सर होता है कि बुजुर्ग के दौरान होता है कि औरतों के नाक में जो की तो कई दफा इस बंदा उसको घुमाना भूल जाता है तो उसके लिए प्लीज थोड़ा सा मुझे वजह फरमा दें कि अगर उसको बाद में कर लिया जाए या उसका आप हुएंगे जजाकल्ला मेरी बहन बहुत बहुत शुक्रिया दौा दौा जी मुफ्ती साहब मसला सुना आपने मेरी बहन जी बिल्कुल जी तो इन्होंने पूछा कि वो जो कील वा रहा हाँ, होता नाक है में जो कील होती है नाक में होता है या कान में होता है तो कान तो चूंकि वजू से वजू से बाहर है कान वजू से बाहर है उससे तो बहस करने की जरूरत ही नहीं जी। नाक में होता है तो नाक चूँकि जो है ना फ़्राइज में दाखिल है चेहरे के अंदर दाखिल है और चेहरे का धोना फ़र्ज है तो उसको हिला कर वहाँ तक पानी पहुँचाना ज़रूरी है ताकि पूरा नाक हो जाए तर हो जाए पूरा हिस्सा अगर भूल गया कोई आदमी तो जब याद आ जाए तो उसी वक्त जो है वो इसको पानी के साथ इस तरह हाथ लगा कर उसको गीला कर दे तो वजू हो जाएगा कम्प्लीट हो जाएगा कोई मसला नहीं ज़ाक हाँ मेरी बहन मसला यही है जो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि आप जब वज़ू कर रही हूँ तो जब हम चेहरा जब धोते हैं ना तो जाहिर है कि चेहरा हम देते हैं चेहरे को थोड़ा सा रब करते हैं हाथ से ना यानी वज़ू करना भी हमें असल में सीखा हमारा मुसीबत यह है ना कि हमारे यहाँ यानी या 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 शुरू से लेकर आखिर तक किसी अमल को हमने सीखा ही नहीं यानी बहुत ज़रूरी है कि आदमी वजू भी जो है ना वबू इसको सीखे किसी से उमूा मसाजिद में भी लोग अरसे से मस्जिदों में आ रहे होते हैं लेकिन आप जब देखें वज़ू खाने में आप बैठें ऐसा लगता है कि इल्ला माशाल्लाह को वज़ू के ना कोई आदाब से आशना लगता है यानी पानी इतनी ज़ोर ज़ोर से चेहरे पे लोग मार रहे होते हैं कि माशा आसपास के लोग भी मुस्तफीद हो रहे होते हैं उस पानी से उसका ढंग सिखाया गया कि वज़ू में आप पानी का भी इसराफ ना करें वज़ू में इसकी भी कोशिश करें कि आपके साथ में अगर कोई बैठा हुआ है तो उसको भी तकलीफ़ ना हो यानी बिल्कुल ऐसा लगता है कि इन आदाब से हम बिल्कुल ना आशना अाशा तो बल ख़्वीन के लिए है कि जब आप वज़ू करें तो जब आप चेहरा को रब कर रही हों जाहिर है कि पानी सिर्फ़ डालना नहीं है पानी चेहरे पर डाल के उसको थोड़ा सा रब करना है तो उसी दौरान जो है ना आप नाक को भी थोड़ा सा उस कील को भी थोड़ा सा हिला लें तो जाहिर है कि उस होल के अंदर पानी डालना नहीं जरूरी है कि जो होल है यानी जो कील <coughs> जिस होल के अंदर है उस होल के अंदर पानी का पहुँचाना नहीं जरूरी हाँ होल के ऊपर जो हिस्सा है तो उसको आप ज़रा सा अगर हिला लें तो इन शाला आपका वजू हो जाएगा <coughs> और बहुत अच्छा मसला आपने पूछा है मतव किया आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ कि चूँकि लोग पूछते नहीं हैं तो बताने वाले भी नहीं बताते हैं। भी नहीं मतव्य होते हैं चूँकि लोग पूछते नहीं हैं चूँकि ये पूछने वाले की जिम्मेदारी है ने साइल की जिम्मेदारी दी है कि फ़सल अहलद विक्र इनकुन तुम ला कि अगर तुम नहीं जानते तो अल इम से पूछा करो ज़ाहिर मसूल को तो नहीं पता कि साइल क्या नहीं जानता इसाइल की जिम्मेदारी है कि आप नमाज के मसाइल वज़ू के मसाइल अभी रमज़ान का महीना आने वाला है रोज़े के मसाइल रोज़ा कैसे टूट जाता है रोज़ा मकरू कब होता है रोज़ा फ़ासिद कब हो जाता है रोज़े की क़़ा कब है रोज़े का फ़िदिया कब है रोज़े का कफ़ारा ये सारी मसाइल जो हम नहीं पूछते नहीं सीखते बेसिक मसाइल भी नहीं पता होते हमें कि भाई जो फ़राइज में से हैं रोज़े के फ़राइज क्या हैं वज़ू के फ़राइज़ क्या हैं नमाज़ के फ़राइज़ क्या हैं वाजिबात क्या हैं सजदा सहो कब वाजिब होता है हमारे यहाँ लोग ग़ैर ज़रूरी मसाइल में लगे होते हैं हमारे साथ एक और कॉलर हैं जो उनको भी शामिल करते हैं सलामकम वरह वालेकल वरह वह मौलाना साहब मैंने आपसे ये सवाल पूछना था हेलो जी जी सुन रहा हूँ जी फरमाइए जी मैंने ये सवाल पूछना था कि मैं आज से 20-25 साल पहले हज करने के लिए गई थी अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो उस वक्त हज करने के लिए गई हूँ अल्लाह ताला के गलाफ उन्होंने न्याय डालना था तो पहला उन्होंने उतार के रखने होते वह क्या उन्होंने धागे लपेटे थे ऊपर तो मैं ऊपर मुंह करके उनको कहती हूँ कि थोड़े से मुझे भी दे दो थोड़े से मुझे भी दे दो वो कहते हैं कि नहीं हम देते नहीं इस तरह हम फेंके तो बहुत दुनिया है तो किस कुछ को हम थे मैंने कहा नहीं कहते है अच्छा अगर आपकी किस्मत में हुए तो मैं दागा लपेट रहे हूँ तो मैं थोड़े से काट के बहुत शुक्रिया मेरी बहन आपने सवाल किया अल्लाह करीम आपकी उस हज को कबूल मंजूर फरमाया और हम सब को अल्लाह करीम हज की शहादत उम्र की शहादत बार बार नसीब फरमाए अल्लाह करी मैं आपको कबूल फरमाया अच्छा वो जो गिलाफ के हवाले से आप फरमा रही हैं ना कि अगर आपके पास बैतुल्ला शरीफ के गिलाफ़ का कोई धागा या कुछ हिस्सा है यकीन बहुत मतबरक है बहुत बाबरकत है बहुत नूरूहानी है बहुत नूरानी है लेकिन इसी हद तक उसको महदूद रखा जाए असल में हर चीज़ का देखें एक दायरा है, है। इस्लाम की खसूसियत यह है कि इसके अंदर हदूद और जो क्यूद है ना उसकी हिफाजत की गई हर चीज़ का एक की बाउंड्री एक रखी गई है अशखाज़ की भी बाउंड्री है अल्लाह के वलियों की बाउंड्री है अल्लाह के नबियों की के मरातबा दर्जात की बाउंड्रियाँ हैं के दर्जात की एक है, हैलमा माँ बाप भाई बहन एक बाउंड्री रखी गई यही वजह है कि इस्लाम क्यामत तक के लिए आया है और इसकी तलीमत क़ियामत तक बाकी रहेंगी क्योंकि इसके अंदर हदूद रखे गए हैं अनज़ुलनासा माज़िलहम यकी बारकत है अगर आप बरकत के लिए आँख पे रखना चाहती हैं लेकिन इस अकैदे के बगैर ये अकैदा ना हो कि इससे हमें नफ़ा नुकसान पहुँचेगा ये नफ़ा मिल नफ़ा देने वाली ज़ात अल्लाह की है हाँ बरकत के लिए इसको यानी इसकी मार्केटिंग ना हो अगर आप रखना चाहें उसको आप चूमना चाहें बैतुल्ला शरीफ से उसका मस हुआ है टच हुआ है तो कोई मजाक नहीं है फ़ौरन जो है मैंने मैं अर्ज़ किया ना कि हमारे यहाँ बड़ी मुसीबत यह है कि हर चीज़ के हवाले से दो किस्म के ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल दो इंतहाओं पर एक वो ग्रुप है जो हर चीज़ को बिदत हर चीज़ को ग़लत हर चीज़ को हराम 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 का गिरट उनकी ज़बान पर होती है हाजा हराम हाजा हराम एक वो लोग हैं उनसे बहुत दूर रहना बहुत केयरफुल रहना अल्लाह उन्हें भी हिदायत है वो भी हमारे भाई हैं नौज़ुबिल्ला वो मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ वो भी हमारे भाई हैं वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं कलमा गो हैं लेकिन उनका ये तरीक़ा बहुत नुक़सानदह होता है बसावत दूसरे वो लोग हैं जिनकी हर चीज़ सुनत बगैर किसी दलील के हर खुराफात तो सुनत करार देते हैं उनके यहाँ कब्रों पर सजदा करना सुनना तो उनके यहाँ कब्रों पर धमाल करना उनके यहाँ वो सारे खुराफात अभी शाबान की वो रात जो गुजरी है हमारे मुल्कों में आतिशबाजी हो रही हैं सारे खुराफा और सब कोई दीन समझ के कर रहे होते हैं ये दो इंतहा तो अल्लाह का वास्ता जितने लोग मुझे सुन इन दो किस्म के रवैयों से इन दोस्म के बर्ताव से इन दोस्म के तरीक़ों से हमें दूर रहना है इस्लाम इज़ इन द मिडिल इस्लाम दरमियान में इस्लाम दरमियान दो इंतहाओं से दूर अब देखें यह दो नशहारा का जो मसला था दोनों इंतहा और इसी तरीके से हमारी यहाँ है, फिरके हैं इंतहाओं पर तो उन दोनों तरीक़ों से हमें आ, दोनों के लिए दुआएँ करनी है उनसे लड़ाई नहीं करना उनसे जिदाल नहीं करना नौज़बिल् उनको काफिर नहीं कहना उनको मशरक नहीं कहना उनको भाई कहना है उनकी असलाह करनी है उनके लिए दुआ करना है उनसे महबत के साथ पेश आना है उस्ताद क्या करते थे कि अगर किसी के अंदर भी किसी किस्म की कोई वीकनेस देखो ना अकीदे के अबार से अमल के अबार से फिक्र के अबार से नजरिए केबार से तो उन्हें बीमार कौनसीडर किया करो अब बीमारों से महब्बत की जाती है नफरत नहीं बीमारों से महब्बत की जाती है तभी तो उनकी उनका इलाज होगा उनका ट्रीटमेंट होगा उनकी असलाह होगी अगर नफरत करोगे तो इलाज कौन करेगा तो हम भी जो लोग अपने आप को मिडिल पे समझते हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि उन दोनों में से किसी को काफिर न कहें किसी को गुस्ताख न कहें किसी को बुरा ना कहें किसी को अपने आप से गैर अफज़ल अपने आप को अफजल न समझें हमारे तामी रम ने बड़ी प्यारी बात लिखी कि देखो अगर अपने आप को किसी के मुकाबले में कामिल समझते हो अगर मिसाल के तौर पे तुम्हारी नमाज बहुत अच्छी है तुम तिलावत बहुत अच्छी करते हो तुम्हारे मुकाबले में एक आदमी तिलावत नहीं करता नमाज़ नहीं पढ़ता तो तुम उसके मुकाबले में आमल, अपने अमल अपने आप को कामिल तो कह सकते हो अफजल नहीं कह सकते क्यों अफजल का ताल्लुक़ कबूलियत से तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी वो सारी नकियाँ अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल भी हुई कि नहीं हुई हो सकता है सारी रद्द कर दी गई हो तुम्हें क्या पता लिहाजा तुम किसी किसी के मुकाबले में अपने आप को अफजल न समझा करो हती कासिर जो दुनिया में है गैर मुस्लिम है क्या पता आखिर वक्त में उनको कलमा नसीब हो जाए अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे तुमसे कलमा छीन लिया जाए अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे इसलिए हर चीज़ में तोज़ुन रखना ऐसे लोगों के लिए दुआ भी करनी कि अल्लाह मेरे सारे भाइयों को दोनों इंतहाओं से बचाते हुए सही इस्लाम पर चलने की तोफ़ी ताफ़र तो यही हाल आपके उसका है कि आप बरकत के लिए अगर आप रख रहे हैं लेकिन उसको नफा नुकसान का आप वो ना समझें इख्तियार ना दें ठीक है बैतुल्ला शरीफ का बहुत से लोगों के पास होता है उसका हिस्सा टुकड़ा होता है अब हमारे यहाँ क्या है उसका मेला लोग शुरू कर देते हैं साल में मेला लग रहा है जी आओ हम तबर दिखाएंगे और फिर खाने कमाने का और शो ऑफ का रियाकारी का ज़रिए मेरे मेले लग रहे होते हैं ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे कपड़े दिखाएंगे शरीय ने इन चीज़ों से मना किया तो अल्लाह करीम आपको बहुत जज़ा खैर था फिर मैं तो नजर इस दुआ के हवाले से मैंने अभी अभी अर्ज़ किया कि देखें दुआ भी करें साथ साथ दवा भी कि ये जिंदगी अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहनम भी और ये खाकी अपनी फ़ितरत में न नूरी है न ना नारी है दुआ देखें स्क्रीन पर है अल्लाह मगफिरली रम्बी कितना अच्छा हो कि आप में से हर शख्स ये दुआ को याद करें और हर वज़ू के साथ मखसूस नहीं है आप हर वक्त पढ़ते रहें अल्लाह मगफिरली रम्बी फी दी फीस की दुआओं का महीना आ रहा है ए अल्लाह मेरे गुनाहों की बख्शिश फरमा दीजिए मगफ़रत फरमा दीजिए बख्श दीजिए अभी मुफ्ती साहब ने बड़ा अच्छा इसकी तशरी की है बख्शिश में और मगफ़रत में और माफ़ी में क्या फ़र्क है अल्लाह मकफिरली लम्बी ये अल्लाह मेरे गुनाहों की बख्शिश फरमा दीजिए व्यलीफीदारी ये अल्लाह मेरे लिए मेरे घर को कुशादा कर दीजिए घर की कुशादगी से मेरा दिल भी कुशादा हो मेरा आज कितनी तंगी है हमारे दिलों में दिमाग हम किसी को बर्दाश्त नहीं करतेवत बर्दाश्त ख़त्म हो हो गया है हमारे माशरे सेमा ने लिखा है किवत बर्दाशत और बर्दाश्त की सिफत जो है ना खुश नसीबों को दी जाती है खुश नसीबों को दी जाती है अल्लाह करे कि हाँ हम हमारे अंदर भी बर्दाश्त का मादा पैदा हम किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं बीवी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं बीवी शोहर को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं भाई बहन को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं बहन भाइयों को बर्दाश्त कोई किसी को आज माफ़ माफ माफ़ करने के लिए तैयार नहीं इसलिए सारा मुआर अखलाकी तौर पर हवास बाखता हो रहा है अल्लाह करीम से हम दुआ भी मांगें और अपने तौर तरीक़े में अपने किरदार में अपने कैरेक्टर में अपने रवैयों में अपने बर्ताव में तब्दीली लाएं सिर्फ दुआ काफ़ी नहीं आप दुआ कर रहे हैं मेरे साथ मिसाल देते थे कि एक आदमी यहाँ से बैठा और वो जाना चाहता है जद्दा ठीक है उसने टिकट भी ख़रीदा दुआ भी कर रहा है पूरी पूरी दुआ कर रहा है लेकिन रूट गलत ले लिया उसने जद्दा की फ़्लाइट के बजाय वो चाइना की फ़्लाइट पर बैठ गया अब वो रास्ते भर दुआ करे वो सुबह क़ियामत तक जद्दा नहीं पहुँच पाएगा हज़ार वो दुआ चूँकि उसने रूट गलत लिया है जद्दा जाने के लिए जो जद्दा जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं जो रूट रूट भी सही लेना पड़ेगा आज हम दुआ कर रहे होते हैं लेकिन ज़िंदगी गुजारने जन्नत जाने वाला जो रूट है वो रूट हमने छोड़ा हुआ है रूट है जहन्नम का रूट है गुमराही का और दुआ हम कर रहे हैं अल्लाह हमें जन्नत में पहुंचा दे और बख्शिश कर दे दिन भर शराब हम बेच रहे हों दिन भर दूसरों को हम सता रहे हों जुल्म कर रहे हो माँ बाप की बददुआएं ले रहे हो माँ बाप को सता रहे हों कोग्स को सता रहे होंप्लॉयर्स को सता रहे इंप्लॉज़ को सता रहे हो पड़ोसियों को सता रहे हो और दुआ है या अल्लाह बरकत कैसे बरकत होगी फजर में सो रहे हो हम रात भर फिल्म और गाने सुबह हम ग्यारह बारह बजे उठ रहे हो जवाल के वक्त तो यह जाहिर है कि ऐसे लोग जवाल पसी नहीं होंगे तो क्या हो सुबह जब रहमत की बारिश होती है बरकतें बरसाई जाती हैं अल्लाह पाक की तरफ से उस वक्त हम वहाँ पे ख़्वाब होते हैं इट डजन मेक अ सेंस कि हमारा रूट कुछ और है दुआ हम कर रहे होते हैं रूट भी दुरुस्त करने, दुरुस करने की डायरेक्शन दुरुस्त करने की ज़रूरत है अगर हमें जन्नत की तरफ़ तो जाना है तो जन्नत का रूट दिया है जनाब महम्मदूल रसूल सल्ला वलम आपकी सुन्नतें हैं जन्नत की रूट जन्नत का डायरेक्शन हर अमल रसामत आलम सल्ला वसलम की सुन्नत की रोशनी में तो करीम से दुआ भी करें अभी से तैयारी करें नाजरिनमज़ान करीम की आमद आमद है इस महीने के अंदर अल्लाह के नबीन फरमाएँ कि अल्लाबारिक ली फी शाबान और गुजर गया कि अल्लाह शाबान के महीने को हमारे हक में बाबरकत बना दे अब आप देखें दुआ क्या ख्याल है आपका रहमत आलम सल्लम ने इस महीने को इस महीने को बाबरकत बनाने की दुआ की होगी की है और दुआ कबूल नहीं हुई होगी यकीन अल्लाह पाक ने कबूल की होगी तो गोया यह महीना बाबरकत बन गया अब हमारे ज़र्फ़ पर है कि हमारे दामन में कितनी कुछ आग, कितना हम बरकत समेटते हैं इस महीने से तो अल्लाह पाक से खसूसी दुआ इस्तफ़ार इस दुआ को भी शामिल करें अल्लामी व्यलीफीदारी वारिकलीफ तो दुआ के साथ दवा दुआ, दुआ के साथ अपना अमल अपना तौर तो, तो तरीके में तब्दीली और साथ दुआ जी मुफ्ती साहब जी बहुत उम्दा बहस आपने की है बल्कि अगर हदीस को देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल के बाद दुआ की अक्सर बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआएं हैं वो माल के फौरन बाद वैसे तो आप अलैहि वसल्लम की जिंदगी हर वक्त अमल के लिए थी और मश थी और इंसानियत के लिए नमूना थी लेकिन बतौर खास जिनका ताल्लुक इबादत से है या ये दुआ भी देख लें कि आप सल्लाम ने वजू का अमल किया और उसके बाद इस दुआ को मांगा इसलिए ने फरमाया है कि जो आदमी गुनाहों से बचना चाहता है तो वो बावजूर है यानी इसी हदीस के अंदर इस एक तरफ तो यह मांगने की तालीम है और अल्लाह से अल्लाह से मांगने की तालीम है दुआ की तालीम है दूसरी तरफ अमल की तरफ रहनुमाई है आप वसल्लम ने अमल किया और अमल करके फिर कहा कि ये दुआ करो तो चुनाचे जो शख्स बावजू रहे तो डेफिनेटली वो गुनाहों से बचेगा और बहुत बेहतरीन जरिया है और वो शैतान से महफूज किले में बल्कि गुनाहों से ना सिर्फ ये महफूज रहेगा बल्कि आम हालत में हम देख लें आदमी तो और उसके जो फरिश्ते हैं।, हैं और मैं दुआ कर लूँ और जैसा वाकी का जब मेराज में तशरीफ ले गए तो वापिस आकर पूछा के बिलाल तुम्हारे कदमों की आहट मेरे सामने थी क्या वजह थी कहा जब भी मुझे वजू की जरूरत पड़ती है तो मैं वजू करके तो तो इस इस नजरीन दुआ में एक और बात जहन में आई कि देखिए यहाँ अल्लाह मख्फली जंभी फरमाएगी अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर मालूम यह हुआ कि अल्लाह की तरफ से जो माफ़ी और बख्शिश होती है गुनाहों की होती है हकूक़ की नहीं होती हकूक के बाद का मसला बहुत संगीन तो अभी इस बात की हम तैयारी करें कि जो भी हमसे नाराज़ है उससे खुदा के लिए सौरी कर लें उससे माफ़ी मांगे उससे हम माफ़ी मांगें माँ वालदे हों भाई बहन हों रिश्तेदार हों कोई भी हो माफ़ी मांगे और फिर अल्लाह पाक से भी गुनाहों की बख्शिश मांगें इंशाल्लाह फिर अगले नशित में एक नई दुआ के साथ इंशाल्लाह हाजिरी होगी असलकम वाला वर्का